इंडिया में मेट्रो ट्रेन्स का ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा है और आज के समय में अगर हम देखें तो 27 से भी ज्यादा इंडियन सिटीज में मेट्रो ट्रेन्स दौड़ रही हैं जिनकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। इसके साथ ही यहां पर एक्सपेंशन भी काफी तेजी से चल रहा है और ऐसे समय में जब हमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है, स्पेशली जब एक्सपेंशन का काम होता है, तो यहां पर हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन तरह के प्रॉब्लम्स को काफी बेहतरीन सॉल्व करने का काम अब वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने ले लिया है। अब यहाँ पर इन्होंने इंडिया के लिए एक स्पेशली प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है एक्सोस्ट्रक्चर रेल। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी की तरफ से, ताकि एक डिजिटली सेफ, एफिशिएंट, रिलायबल और सस्टेनेबल मेट्रो ट्रेन्स ऑपरेशनल की जा सके। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक काफी न्यू हाई एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे श्नाइडर इलेक्ट्रिक के द्वारा। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इंडिया के वास्ट रेल और मेट्रो नेटवर्क को मैनेज करना डेफिनेटली काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हाईलाइट किए गए हैं तो वो है मेट्रो रेल लाइंस के एक्सपेंशन और स्टेशंस को लेकर, फिर सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी ज्यादा है, हाई वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक, इन सब के चलते यहाँ पर एक्सपेंशन के दौरान काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। फर्दर स्टेशंस में लिमिटेड स्पेस होने के कारण यहाँ पर न्यूमरस इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज के चलते सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हो रही है। इन्हीं सब तमामों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और साथ ही में एक रिलायबल पावर सप्लाई को प्रोवाइड करना अब श्नाइडर इलेक्ट्रिक का काम होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे करंट मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स की। अब इंडिया के टीयर 2 सिटीज में भी मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिनमें शामिल है इंदौर, सूरत, भोपाल, कानपुर, पटना जैसे शहर। कई सारे शहर इसमें ऐसे भी है जहां पूरी तरह से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। पूरी शुरुआत से ही यहां पर फर्स्ट फेज एग्जिस्ट ही नहीं करता और वही रिमेनिंग कॉरिडोर्स में एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते यहां पर न्यू लाइंस और फेजेस को आगे ले जाना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क बनता जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंशियली हम रेलवे नेटवर्क को बिल्ड करते जा रहे हैं। सो इनडायरेक्टली यहां पर सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, हाई वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक, लिमिटेड स्पेस फॉर स्टेशंस, ऐसी कई सारी समस्याओं से भी हमें जूझना है। सो इसी का एक बेहतरीन विकल्प हमें मिल चुका है इन फॉर्म ऑफ श्नाइडर इलेक्ट्रिक एक्सोस्ट्रक्चर रेल प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो मेट्रो रेल सेगमेंट है तो उसका एस्टिमेटेड साइज कितना होगा। सो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट के मुताबिक 27 से भी ज्यादा इंडियन सिटीज में मेट्रो ट्रेन्स ऑलरेडी दौड़ रही हैं। साथ ही में इसके 3 से 4 ट्रिलियन रुपीज वर्थ के प्रोजेक्ट्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है और आने वाले 4 से 5 सालों के भीतर इन सभी प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन सिटीज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का यूज किया जा रहा है, जिसमें से मेट्रो रेल्स और मोनो रेल्स तो शामिल है ही। इसके अलावा मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट, ट्रैम्स, रोपवे और भी कई तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। ऐसे समय में सेफ और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन को एंश्योर करना काफी ज्यादा क्रूशियल भी है, क्योंकि अगर जरा से भी गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन मोड ही ठप पड़ जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई हम यहां पर श्नाइडर इलेक्ट्रिक के एक्सोस्ट्रक्चर रेल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के तहत हमारे मेट्रो ट्रेन 25% एनर्जी एफिशिएंट बन जाएंगे, हमारी मेट्रोस की ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी 20% इंप्रूव होगी, साथ ही में कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी 25% घटेगा। तो भले ही इंडिया में मेट्रो ट्रेन्स देरी से आई है, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये पूरे वर्ल्ड की काफी ज्यादा आधुनिक मेट्रो ट्रेन्स बन चुकी हैं।